दोस्तों अगर हम आज इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो चाइनीज़ कंपनियां हैं ये पूरी तरह से डोमिनेट करती हैं। अगर हम 2019 में इस ओवरऑल सेल्स की फिगर देखें तो हम देख सकते हैं कि जो पिछले साल 72% फ़ोन बिके थे ये सिर्फ 5 कंपनियों ने बेचे थे, जिसमें शाओमी, ओप्पो, वीवो, रियलमी और वन प्लस शामिल थे। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी जो पकड़ है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट पे ये कितनी गहरी है। और दोस्तों क्या आपको पता है कि ये जो कंपनियां हैं इनका ओनर कौन है, मतलब इन कंपनियों का मालिक कौन है? दोस्तों आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि ये जो कंपनियां हैं वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस और IQOO, इन कंपनियों का, पांचों कंपनियों का एक ही मालिक है और वो कंपनी है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। हो गए ना हैरान, इन पांचों कंपनियों का एक ही मालिक है, वो है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। पर दोस्तों बहुत ज्यादा लोगों के मन में ये सवाल तो होगा कि ये बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने ये पांच ब्रांड, इतने बड़े ब्रांड कैसे बना लिए और इनको ये पांचों ब्रांड बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। तो देखिए दोस्तों आगे के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम आज इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में नजर डालें तो हम इस पाई चार्ट में देख सकते हैं कि जो शाओमी का मार्केट शेयर है वो है 29%, वीवो का मार्केट शेयर है 18.8%, सैमसंग का 15.5%, ओप्पो का 13%, रियलमी का 12.8% और जो बाकी बच जाते हैं उनके पास है 10.9% मार्केट शेयर। तो हम देख सकते हैं ये जो तीन ब्रांड है वीवो, ओप्पो और रियलमी, इन तीनों के पास 44.6% मार्केट शेयर आ जाता है और ये मार्केट शेयर शाओमी और सैमसंग के कंबाइंड दोनों से ज्यादा है। तो दोस्तों इसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस समय जो इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन मेकर है या नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड है वो है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों ये जो 44% का मार्केट शेयर है वीवो, ओप्पो और रियलमी का, इसमें अभी हमने वन प्लस और IQOO के स्मार्टफोन्स को तो ऐड ही नहीं किया, तो अगर हम उसको ऐड कर दें तो इनका मार्केट शेयर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर दोस्तों अब हम जानेंगे कि ये बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने इतने सारे ब्रांड्स बनाए कैसे। तो दोस्तों कहानी ये है कि ये जो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स है इन्होंने अपना पहला स्मार्टफोन ब्रांड लॉन्च किया था वीवो 2004 में, वो भी चाइना में, और इसके तकरीबन 5 साल बाद इन्होंने अपना एक और नया ब्रांड लॉन्च किया ओप्पो, वो भी चाइना में लॉन्च किया था, और इसके इन दोनों ब्रांड्स के साथ इन्होंने चाइना मार्केट में बहुत ज़्यादा अपनी सक्सेस हासिल की थी। और चाइना में सक्सेसफुल होने के बाद बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने डिसाइड किया क्यों ना हम अब ग्लोबल हो जाएं, क्यों ना हम अब दूसरे किसी देशों में जाकर अपने स्मार्टफोन बेचने लग जाएं। तब 2014 में इन्होंने अपने जो वीवो और ओप्पो के स्मार्टफोन्स थे उन्होंने इनकी एंट्री कराई इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। दोस्तों अगर आपको याद हो जब वीवो और ओप्पो ने एंट्री की थी तो पूरी तरह से धमाकेदार एंट्री की थी। हम जहाँ भी बाजार जाते थे, जहाँ भी देखते थे, अगर लेफ्ट को देखते थे ओप्पो का बोर्ड लगा होता था, राइट को देखते थे तो वीवो का बोर्ड लगा होता था। तो ऐसे में इन्होंने इतना ज़्यादा पैसा बहाया था एड्स पे कि ताकि लोगों को पता लग जाए कि हाँ भाई कोई ये वीवो और ओप्पो भी ब्रांड है और इसमें भी ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुए थे। दोस्तों ये जो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स थी इन्होंने अपना सारा ध्यान ऑफलाइन मार्केट पे रखा था कि हम कैसे अपने फ़ोन ऑफलाइन मार्केट में बेच सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने इतनी ज़्यादा एड्स लगाई थी और इस तरह से ये ऑफलाइन मार्केट में सक्सेसफुल हो पाए। पर दोस्तों इतना ज़्यादा पैसा लगाने के बावजूद भी ये जो ओप्पो और वीवो के प्रीमियम स्मार्टफोन थे ये नहीं बेच पा रहे थे, और तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक और नया ब्रांड ले आएं जहाँ पर हम अपने एड्स पे पैसे बचाएंगे और उसको हम ऑनलाइन बेचेंगे या स्पेशल स्टोर में बेचेंगे और इस तरह उस जो प्रीमियम स्मार्टफोन होगा उसकी कीमत कम कर देंगे। तो ऐसे करके ये जो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थे इन्होंने अपना वन प्लस ब्रांड बनाया जहां पर इन्होंने डिसाइड किया कि हम ये जो मिड रेंज में प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट है इस पे हम कब्जा करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुए अपने इस काम करके। दोस्तों अब तक ये जो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी इन्होंने अपने सिर्फ 3 ही ब्रांड लॉन्च किए थे वीवो, ओप्पो और वन प्लस इंडिया में, पर तकरीबन 2016 से इनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन आने लग गया शाओमी की तरफ से। अगर आपको याद हो कि 2016 में ये जो कंपनी थी शाओमी इन्होंने अपना एक सब ब्रांड लॉन्च किया था रेडमी, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह शाओमी के भी 3 ब्रांड्स हैं, एक है रेडमी, एक है एमआई और एक है पोको। दोस्तों जैसे ये शाओमी वाले कर रहे थे कि ये जो अपना रेडमी फ़ोन था ये इसको सिर्फ ऑनलाइन बेच रहे थे, तो दोस्तों लो बजट मार्केट में अपने फ़ोन को बनाए रखने के लिए ये बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना एक और नया ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम रखा रियलमी। तो ये जो रियलमी ब्रांड था ये सीधा एक तरह से कंपटीशन दे रहा था ये जो रेडमी ब्रांड था शाओमी का। और दोस्तों अगर हम आज की बात करें तो रियलमी का मार्केट शेयर है 12.8% इन इंडियन स्मार्टफोन मार्केट, तो आप सोच सकते हैं ये कितनी बढ़िया सक्सेस रही है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो ऐसा करके ये जो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स थी इन्होंने अपने 4 ब्रांड बना लिए वीवो, ओप्पो, रियलमी और वन प्लस, पर इनका ना अभी भी दिल नहीं भर रहा था तो इन्होंने एक और ब्रांड लिया है अपना IQOO। और दोस्तों ये जो अपना IQOO कंपनी का ब्रांड लेकर आए हैं इनका सीधा मोटिव यही है कि ये जो इंडिया का 5G मार्केट शेयर है
जो 5G स्मार्टफोन बिकेंगे इसमें ये सबसे पहले आना चाहते थे, अपनी सबसे अलग पहचान बनाना चाहते थे 5G फोन्स में। तो इसलिए बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने 5G फोन्स के लिए एक नया ब्रांड बना दिया IQOO। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये कैसे बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में अपना दबदबा कायम कर रहे हैं। दोस्तों आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो ओप्पो और वीवो के जो प्रीमियम फ़ोन होते हैं ये वन प्लस के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा महंगे होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो ओप्पो और वीवो वाले हैं ये ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि दोस्तों इनको अपने पैसे भी पूरे करने होते हैं, इसलिए ये थोड़े से ज़्यादा महंगे फ़ोन बेचते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स थी इसने कैसे अपने 5 ब्रांड बना लिए। सबसे पहले इन्होंने बनाया वीवो, फिर ओप्पो, फिर वन प्लस, फिर रियलमी और बाद में IQOO। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और नीचे सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको नए से नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।